Now next C program based on number system conversion operations. इस केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना है, octal to decimal conversion. इस केस में अगर प्रोसेस में सबसे पहले जनरल डायग्राम है, जनरल एग्जांपल डिस्कस करेंगे, देन एग्जांपल्स के बेसिस पर प्रोसेस डिस्कस करेंगे, प्रोसेस के बेसिस पर फाइंड आउट करेंगे लॉजिक्स फॉर कन्वर्टिंग दैट ऑपरेशन, देन फाइनली राइट डाउन करेंगे सोर्स कोड. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी नंबर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बेस 8, बेस 8 के केस में नंबर क्या लाइक 213. इसका करेंटली एग्जिस्टिंग बेस क्या है, बेस 8, और रिक्वायर्ड बेस क्या है, बेस 10. क्लियर? इस द गिवन केस मींस आपको जस्ट परफॉर्म क्या कराना है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन. ऑक्टल मींस बेस 8, डेसिमल मींस बेस 10. अगर जनरल वे में बात करें तो आपके पास जस्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो भी नंबर है, सबसे पहले जो इस जिस ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसके सारे के सारे डिजिट्स मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 8 टू द पावर n इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सबसे पहले कॉपी क्या करेंगे, लास्ट डिजिट है 3, लास्ट डिजिट क्या है इस केस में जस्ट 3, मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 0 प्लस प्रीवियस डिजिट क्या है इसका 1. अगेन 1 के केस में मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 8 टू द पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 2. क्लियर? फाइनली इसका जो भी सम आएगा तो सम को कंसीडर करो एज इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म. सो सम के रिस्पेक्ट में बात करें, 8 टू द पावर 0 इज नथिंग बट 8 इज सिंपली 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8 टू द पावर 1 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 8. क्लियर? नेक्स्ट टाइम क्या, 8 टू द पावर 2 इज 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 2. फाइनली पावर के फॉर्म में राइट डाउन करने के बाद इसका सम क्या आएगा, 3 प्लस 8 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 128. क्लियर? नेक्स्ट इसका सम क्या आएगा, जस्ट 128 प्लस 8 इज 136 मीन्स 139. इज द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर. लेकिन ये सेम ऑपरेशंस परफॉर्म कराना है बाय यूजिंग सी प्रोग्राम्स. मीन सी प्रोग्राम्स के केस में सबसे पहले जो भी आपके पास ऑक्टल नंबर है, और ऑक्टल नंबर को सबसे पहले इस केस में हिस्टोग्राम इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरे, लेकिन इसका रिजल्ट किस फॉर्म में कन्वर्ट कराऊंगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. ऑक्टल को इस फॉर्मेट में स्टोर करना, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. नेक्स्ट वन, डेसिमल नंबर का रिजल्ट के मीन्स जब जो भी डेसिमल नंबर आएगा इसका रिजल्ट स्टोर करना, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर और मे बी लॉन्ग बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट. क्लियर? सबसे पहले मैं इसके लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर, लॉजिक्स के रिगार्डिंग में स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए, ऑक्टल नंबर को स्टोर कराने के लिए क्रिएट किया करेंगे सम कैरेक्टर एरे. तो इस केस में सबसे पहले इनिशियली मैंने कोई कैरेक्टर एरे क्रिएट किया विद रिक्वायर्ड साइज और एनी लेंथ लाइक दैट. कैरेक्टर एरे के केस में आप रीड क्या करोगे, इनपुट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायर्ड किस क्या रहेगा, एंट्रिंग. इस वजह से केस में एरे का नेम क्या है, ओ सी डी मीन्स ऑक्टल एरे. ऑक्टल एरे के अंदर स्टोर क्या कराएंगे, इनपुट. इनपुट के केस में एंटर किया 213, तो इस केस में 213 फिजिकली आपका यह नंबर सो रहा है, लेकिन मेमोरी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर कराएंगे, एज अ स्ट्रिंग 213. देन स्ट्रिंग टर्मिनेट कैसे हुआ, नल से. इंडेक्सिंग आर 0, 1, 2, 3. आप इस केस में कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, मैं जस्ट गिवन नंबर के रिस्पेक्ट में एग्जांपल शो कर रहा हूँ. फर्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या, रीडिंग इनपुट्स. इनपुट रीड करने के जस्ट बाद आपको परफॉर्म क्या कराना है, दैट कैलकुलेशंस. कैलकुलेशंस के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम आपको रिक्वायर्ड क्या है, 8 टू द पावर 0. फर्स्ट टाइम क्या रिक्वायर्ड है, 8 टू द पावर 0. नेक्स्ट टाइम 8 टू द पावर 1. नेक्स्ट टाइम 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 3 एंड सो ऑन. क्लियर? लाइक दैट. इसी 8 का पावर जस्ट किस फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो फर्स्ट केस में 8 टू द पावर 0 को केस में डायरेक्टली आप क्या यूज कर सकते हो, इसके प्लेस पर 1. नेक्स्ट टाइम 8 टू द पावर 1 को आप राइट डाउन कर सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाई 8. 8 टू द पावर 2 को आप जस्ट यूज कर सकते हो प्रीवियस का रिजल्ट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 लाइक दैट. क्लियर? एंड सो ऑन सिमिलरली. तो सबसे पहले एरे के केस में इनपुट्स रीड डाउन करने के बाद वन मोर थिंग्स, एरे के अंदर ऑक्टल डिजिट्स किस फॉर्मेट में, डायरेक्टली डिजिट्स के न्यूमेरिक फॉर्मेट में, और कैरेक्टर्स के फॉर्म में, कैरेक्टर्स के फॉर्म में. तो एवरी टाइम कैरेक्टर्स को आप जब रीड करोगे तो रीड करने के साथ साथ इनको कन्वर्ट किस फॉर्म में कराएंगे, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स. सपोज दैट अगर आपके पास कैरेक्टर 2 है, 2 को डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट यूज क्या करोगे, कैरेक्टर 2 माइनस ASCII वैल्यू ऑफ 0. अगर किसी भी न्यूमेरिक डिजिट को 0 के ASCII वैल्यू से सबट्रैक्ट कराओ, देन इस केस में आपको ओरिजिनल नंबर क्या मिल जाएगा, जस्ट इक्विवेलेंट इंटीजर डिजिट, सेम एज कैरेक्टर 1 माइनस ASCII वैल्यू ऑफ 0. इस केस में डिफरेंस क्या आएगा, ऑल्सो 1. सेम एज कैरेक्टर 3 माइनस ASCII वैल्यू ऑफ 0.
डिफरेंस क्या आएगा, थ्री लाइक दैट। इस टाइप से आपको एवरी टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले परफॉर्म क्या करना होगा, जस्ट कन्वर्जन। वन मोर थिंग्स, सबसे पहले आप इस केस में परफॉर्म क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराएं, रीड क्या करोगे, राइट मोस्ट डिजिट, मीन्स वन बाई वन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, सबसे मीन्स एट ए टाइम ओनली एक ही टाइम शो करेंगे इस केस में। तो फर्स्ट टाइम क्या इस केस में राइट टू लेफ्ट, सबसे पहले एरे के रिस्पेक्ट में आपको राइट मोस्ट डिजिट को रीड कराना होगा। तो राइट मोस्ट डिजिट क्या इस केस में, मीन्स इसका जस्ट मैं वन बाई वन स्टेप वाइज कन्वर्जन शो कर रहा हूँ। राइट मोस्ट डिजिट क्या है इस केस में, थ्री, और थ्री स्टोर किस में, ऑक्टल एरे के अंदर, ओ सी टी ऑक्टल एरे के अंदर किस इंडेक्स में फाउंड हो रहा है, जस्ट इंडेक्स वैल्यू एज टू, क्लियर। इंडेक्स वैल्यू टू के रिस्पेक्ट में जस्ट इसके प्लेस पर रिप्लेस किया जाए कैरेक्टर थ्री, लेकिन थ्री क्या है कैरेक्टर, अगर आप डायरेक्टली ओ सी टी थ्री टू यूज करोगे इस प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा जस्ट कैरेक्टर थ्री, और कैरेक्टर थ्री का आपके लिए 51, तो यहाँ थ्री के मीन रिक्वायर्ड क्या है थ्री, जबकि रिप्लेस किया रहा लॉजिकली 51, तो इस थ्री को जस्ट डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम अ जीरो, मीन्स इसको जस्ट सब्ट्रैक्ट किससे कराओगे, आस्की वैल्यू ऑफ जीरो, देन मीन्स इस प्लेस पर क्या है ऑक्टल टू के प्लेस पर क्या आएगा थ्री, थ्री माइनस जीरो इज डिफरेंस क्या आएगा एग्जैक्टली थ्री, मीन्स एग्जैक्टली डिजिट। ये पर्टिकुलर ऑपरेशन आपको प्रोवाइड क्या करेगा, डिजिट कन्वर्जन। देन डिजिट कन्वर्जन परफॉर्म होने के बाद जस्ट नेक्स्ट केस इसको मल्टीप्लाई कैसे कराओ, एट टू द पावर जीरो, और एट टू द पावर जीरो को आप राइट डाउन कर सकते हैं वन, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ फर्स्ट टर्म, क्लियर। इस फर्स्ट केस में आप परफॉर्म क्या कराओ, इस प्लेस पर ओ सी टी टू यूज किया, ओ सी टी टू के प्लेस पर आप यूज क्या कर सकते हो आई, मीन्स इस केस में जस्ट यूज क्या करेंगे वेरिएबल, इटरेटिव वेरिएबल आई, और आई के केस में इनिशियल मीन्स आप इस एरे को लेफ्ट टू राइट रीड करें, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तो सबसे पहले आई में क्या असाइन कराएं टू, आई में टू असाइन कैसे कराओगे, सभी तो थ्री डिजिट रहेंगे, अगर फाइव डिजिट होते तो आई का वैल्यू क्या होता है फोर, इस आई के अंदर जस्ट असाइन क्या कराना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस वन, इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है वन टू थ्री, लेकिन लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है टू और थ्री टू, तो इस केस में यूज क्या करोगे एस टी आर एल ई एन, लेंथ ऑफ ऑक्टल एरे माइनस वन, तो ऑक्टल एरे का लेंथ क्या है इस केस में थ्री, थ्री माइनस वन इज टू, तो इसलिए आई में क्या असाइन हो जाएगा जस्ट टू। नेक्स्ट केस, इस केस में पावर को मैनेज करने के लिए सेपरेट वेरिएबल यूज करेंगे एज अ पी, पी के केस में चेक करो पावर के केस में फर्स्ट टाइम एट टू द पावर जीरो का रिजल्ट क्या आएगा वन, तो आप डायरेक्टली इस केस में पी में क्या असाइन करा सकते हो एज अ वन, क्लियर। तो इस प्लेस पर फाइनली स्टर्म के प्लेस पर यूज क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली पी, क्योंकि पी का वैल्यू क्या है वन, और टू के प्लेस पर जस्ट यूज क्या कर सकते हो एज अ आई, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है टू, क्लियर। नेक्स्ट टाइम इसके इस पर्टिकुलर केस से सॉल्व क्या हो रहा है, फर्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ लास्ट एक्सप्रेशन, क्लियर। लास्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी सेपरेट वैल्यू में असाइन करा लेंगे, इस केस में वैल्यू यूज करेंगे समथिंग रिजल्ट, और रिजल्ट के केस में इनिशियल वैल्यू क्या असाइन करा हुआ जीरो, क्लियर। तो रिजल्ट के केस में जैसे आप परफॉर्मेंस जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट डायरेक्टली असाइन करा के रिजल्ट के एग्जिस्टिंग वैल्यू में एड करा देंगे, लाइक दैट रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस ऑक्टल ऑफ आई माइनस आस्की वैल्यू ऑफ जीरो देन मल्टीप्लाई बाई पी, चेक इट। फर्स्ट टाइम स्टर्म को राइट करो तो रिजल्ट का वैल्यू क्या है जीरो, ऑक्टल ऑफ आई का वैल्यू क्या है इस केस में, वैल्यू ऑफ आई इज टू माइनस जीरो मल्टीप्लाई बाई पी मीन्स वन, ऑक्टल ऑफ टू में क्या फाउंड हो रहा है जस्ट कैरेक्टर थ्री, थ्री माइनस जीरो इज थ्री, जीरो प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई वन, रिजल्ट क्या है इस केस में, इसे एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी क्या था थ्री मल्टीप्लाई वन इज थ्री, इस केस में क्या है ऑल्सो थ्री प्लस थ्री आसान किस में जाएगा रिजल्ट, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी इस केस में जस्ट थ्री, क्लियर। नेक्स्ट टाइम आपको परफॉर्म क्या कराना है जस्ट नेक्स्ट टर्म, कॉन्सेंट्रेट क्या करोगे नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में अगेन सेम केस यूज करेंगे, लेकिन इस केस में चेक करो नेक्स्ट टर्म के केस में डिजिट क्या है वन, और वन का इंडेक्स क्या है वन, तो इस केस में परफॉर्म क्या हुआ आई माइनस माइनस, परफॉर्म क्या कराओ आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में वन। वन मोर थिंग, पावर के केस में नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम पावर क्या था एट टू द पावर जीरो मीन्स वन, लेकिन इस केस में पावर क्या रिक्वायर्ड है एट टू द पावर वन, एट टू द पावर वन के केस में जस्ट यूज क्या कर सकते हो जस्ट आई के केस में परफॉर्म क्या हो रहा है माइनस माइनस, और पावर के केस में जस्ट आप परफॉर्म क्या कराओ पावर मल्टीप्लाई बाई एट, पावर का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है वन मल्टीप्लाई बाई एट, और एट टू द पावर इज सेम, इसका रिजल्ट क्या है जस्ट एट, इस केस में पावर में क्या आसान हो जाएगा जस्ट एट, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन इसे एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में रिजल्ट के प्लेस पर रिजल्ट का प्रीवियस वैल्यू क्या आएगा थ्री प्लस ऑक्टल ऑफ आई, ऑक्टल ऑफ आई के केस में क्या स्टोर है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई इज वन, और वन इंडेक्स में क्या ऑल्सो कैरेक्टर वन,
मल्टीप्लाई बाई 8^1 और 8^1 का रिजल्ट क्या इसमें p में, p का वैल्यू क्या 8, इसलिए यूज क्या करो इस प्लेस पर 8, क्या आएगा जस्ट 3+3 मीन्स प्रीवियस सम और सम ऑफ प्रीवियस टर्म 1 इंडेक्स में क्या है कैरेक्टर 1 का आस्की वैल्यू 0 से सबट्रैक्ट होगा तो इसका एक्चुअल डिफरेंस भी क्या आएगा इंटीजर 1 मल्टीप्लाई बाई 8^0 क्या आएगा इस केस में फाइनली 8+3 = 11 और 11 अगेन किस में आसान हो जाएगा रिजल्ट में, तो रिजल्ट की न्यू वैल्यू क्या होगी जस्ट 11, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन परफॉर्म क्या होगा i-, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मीन से सेकेंड टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट टर्म भी लास्ट टर्म भी कंप्लीट हो चुका है। देन p के केस में क्या हुआ, मीन फर्स्ट टाइम क्या हुआ p के केस में 1, नेक्स्ट टाइम 8^1, नेक्स्ट टाइम p के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या 8^2 इस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 का रिजल्ट ऑलरेडी किस में स्टोर है p में, तो आपको इससे इसको p के प्रीवियस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कैसे करना है 8 से, इसलिए मैंने स्पेस पर राइट डाउन क्या किया जस्ट p मल्टीप्लाई बाई 8, तो p का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 64 किस में आसान हो जाएगा जस्ट p में, असाइनमेंट किस में रहा p में, तो p का नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा जस्ट 64। नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से सेम रिजल्ट और सेम ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, तो सेम ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में जस्ट रिजल्ट का वैल्यू क्या करंटली प्रीवियस वैल्यू इज 11, मीन्स इन प्रीवियस टू टर्म्स का सम क्या आया 11, फर्स्ट टाइम क्या आया था 3, नेक्स्ट टाइम क्या आया जस्ट 8, देन करंट सम इसको करंट टर्म को सॉल्व कर दें, रिजल्ट मीन्स प्रीवियस सम मीन्स प्रीवियस टर्म्स का सम, यस ऑक्टल ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या 0 और 0 इंडेक्स में क्या स्टोर है जस्ट कैरेक्टर 2, 2 का आस्की वैल्यू 0 से सबट्रैक्ट करो तो रिजल्ट क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू क्या 64 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 128+11 रिजल्ट क्या आएगा 139, तो 139 कॉपी किस में हो जाएगा अगेन वेरिएबल रिजल्ट में, तो रिजल्ट का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा जस्ट 139, क्लियर। नेक्स्ट वन इसके बाद अगेन परफॉर्म क्या होगा i माइनस माइनस, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, p का वैल्यू क्या हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 512 क्या आएगा इस केस में जस्ट 512। नेक्स्ट वन इसके जस्ट वैल्यू जब कंडीशन टेस्ट हो गई लूप का, मीन्स आपको ऑपरेशंस कब तक परफॉर्म कराना है अप टू राइट मोस्ट टू, मीन्स फ्रॉम लेंथ -1 टू अप टू 0, जैसे ही आई का वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो इमीडिएटली इस ऑपरेशन को स्टॉप करा लें, मीन्स फाइनल इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है दैट पार्ट, तो इसे लॉजिक के बेसिस पर जस्ट सोर्स कोड राइट डाउन करेंगे, इसे कन्वर्जन के लिए मैं अगेन फंक्शन यूज कर रहा हूँ चेक इट, इसके इसमें रिजल्ट किस में आसान कराया वेरिएबल रिजल्ट में, तो रिजल्ट का टाइप क्या लोगे रिजल्ट किस फॉर्म में स्टोर कराना है इंटीजर्स के फॉर्म में, तो सिर्फ फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ रिजल्ट और रिजल्ट का टाइप क्या लेंगे जस्ट इंटीजर टाइप, रिटर्न टाइप एज वी आर यूजिंग एज इंटीजर, फंक्शन नेम एज ऑक्टल टू डेसिमल, देन आर्ग्यूमेंट में मीन आपको इनपुट किस फॉर्म में रिक्वायर्ड है कैरेक्टर एरे के फॉर्म में, तो आर्ग्यूमेंट टाइप क्या पास करोगे कैरेक्टर एरे कैर स्टार ओ सी टी मीन्स ऑक्टल, क्लियर। नेक्स्ट वन नेक्स्ट केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराना है आपको दीज ऑपरेशन, सो इन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जस्ट आपको वेरिएबल क्या रिक्वायर्ड है आई पी एंड रिजल्ट, तो 3 इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे इंटीजर आई पी एंड रिजल्ट, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के केस में इनिशियल वैल्यू क्या प्रोवाइड करना है जस्ट 0, नेक्स्ट टाइम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए पर यूज क्या करेंगे जस्ट लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग के रिस्पेक्ट में जस्ट आई में क्या सान कराएंगे आई में क्या सान हुआ है स्ट्रिंग का लेंथ -1, तो इस केस में आई में क्या सान कराओ आई इक्वल्स टू एस टी आर एल ई एन ऑफ ऑक्टल एरे -1 कॉमा, पी में क्या आसान कराना पी का इनिशियल वैल्यू क्या था जस्ट 1, तो पी में क्या आसान करा लेंगे 1, सेम है रिजल्ट रिजल्ट में क्या आसान कराओ 0 जो कि मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो नहीं लूप कब तक चलाना है जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा है, जैसे ही आई का वैल्यू -1 होता है इमीडिएटली इसको स्टॉप कराना होगा, यूज क्या करेंगे व्हाइल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग आई के केस में आई इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसलिए आई के लिए यूज क्या करेंगे जस्ट आई माइनस माइनस, सिमिलरली पी के रिस्पेक्ट में बात करें तो पी के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम पावर को मैनेज कराना है, इसलिए पी के रिस्पेक्ट में यूज किया करो पी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई 8, क्लियर। देन लूप के अंदर जस्ट आपको एवरी टाइम कैलकुलेशन क्या परफॉर्म कराना दैट वन, मीन्स एवरी टाइम आपको ऑक्टल के सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज क्या करेंगे गिवन एक्सप्रेशन, फाइनली राइट डाउन क्या करेंगे इन साइड बॉडी रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस
ऑक्टल ऑफ आई, ऑक्टल ऑफ आई रिप्रेजेंट क्या करे, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन को जस्ट डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए सबट्रैक्शन किससे कराओगे, आस्की वैल्यू ऑफ जीरो, देन एवरी टाइम मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, पी टू दी पावर एन, और पी टू दी पावर एन मैनेज किस में हो रहा है, पी के अंदर, तो डायरेक्टली ओनली पी राइट डाउन करेंगे, देन क्लोज दिस। देन फाइनली जब कंट्रोल बाहर आएगा, बाहर आने के समय फाइनली सारे के सारे कैलकुलेशन परफॉर्म हो चुके हैं, रिजल्ट किसके पास है, वैल्यू ऑफ रिजल्ट के पास। तो इस फंक्शन से फाइनली आप रिटर्न क्या कराओगे, रिटर्न वैल्यू ऑफ रिजल्ट, क्लियर क्लोजिंग। इस फंक्शंस के थ्रू किसी भी ऑक्टल के लिए आप इक्विवेलेंट डेसिमल कन्वर्जन परफॉर्म कराना पॉसिबल। प्लस इस केस में ऑक्टल किस फॉर्म में रीड करेंगे, एज ए इंटीजर नंबर और एज ए स्ट्रिंग, एज ए स्ट्रिंग इज कैरेक्टर एरे। तो जस्ट मेन फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज क्या करेंगे, वॉइड मेन। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, ऑक्टल एरे, कैर ऑक्टल, आप कोई भी साइज यूज कर सकते हो, जैसे आपको जिस लेंथ तक आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना, लेकिन स्पेशली याद रखना इसका रिजल्ट इंटीजर में मैनेज करना पॉसिबल ना, अदरवाइज इसका डेटा टाइप क्या लोगे, समथिंग लॉन्ग और सम अदर टाइप। इसे इस केस में सिंपल साइज यूज करना है 10, क्योंकि मैं 10 डिजिट्स तक ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता हूँ। नेक्स्ट वन, रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए यूज क्या करेंगे, वेरिएबल एज रिजल्ट, और रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, डेसिमल फॉर्म, इसलिए यूज क्या करेंगे, जस्ट डेसिमल। नेक्स्ट है रीडिंग इनपुट्स, तो इनपुट्स के केस में इनपुट किस फॉर्म में रीड करना है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, इसलिए यूज क्या करेंगे, गेट्स ऑक्टल एरे। देन जस्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए कन्वर्जन के लिए कॉल क्या करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल फंक्शंस, इसका रिजल्ट किस में सेंड कराएंगे, वेरिएबल डेसिमल इक्वल्स टू फंक्शन कॉलिंग ऑक्टल टू डेसिमल, इनपुट में क्या पास करोगे, ऑक्टल। जो भी रिजल्ट आया, रिजल्ट को आप डिस्प्ले करा सकते हो, प्रिंट एफ परसेंट डी, डिस्प्ले क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ डेसिमल। मीन्स इस टाइप से गिवन लॉजिक्स के थ्रू किसी भी ऑक्टल डिजिट्स को इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कराना पॉसिबल है।